आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बिल्कुल अलग सी रेसिपी, जो है बनारसी टमाटर की चाट की रेसिपी। ये रेसिपी बनारस में ही आपको खाने को मिलेगी, वहाँ का ये स्ट्रीट फूड है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। नॉर्मल चाट से बिल्कुल अलग तरीके से इसे बनाया जाता है। तो चलिए अपनी ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। तो गैस पे चढ़ा दिया है मैंने एक फ्राई पैन और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी। तो आप इसे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। 1/2 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें जीरा और 1/2 चम्मच डाल देंगे घिसा हुआ अदरक और साथ में 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो फ्रेंड्स, अदरक और हरी मिर्च इसमें आप ज़रूर डालें। तो इसे हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे और जब इसका कच्चापन निकल जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे हल्दी। तो यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच डाल दे रही हूँ हल्दी और 1/2 चम्मच डाल दे रहा रेड चिली पाउडर। और तुरंत ही इसे डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर। तो ये 5 कटे हुए टमाटर हैं, इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया था और उसके बाद ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। और इसके बाद अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें कुछ और हम ऐड कर लेंगे। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच है यहाँ पे गरम मसाला, 1/2 चम्मच ही मैं इसमें डाल दे रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर। ये आप जरूर डालें, इससे और भी ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाता है। 1/2 चम्मच है नमक और 1/4 चम्मच है काला नमक। तो चाट है तो बिना काला नमक के तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ढक करके तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर बिल्कुल गल ना जाए। तो चलिए इसे 10-15 मिनट बाद चेक करते हैं। जब तक टमाटर पक रहा है हम यहाँ पे बना लेंगे एक चाशनी। तो 1/2 कटोरी मैंने ले ली है चीनी और इसमें 1/2 कटोरी ही हम डाल देंगे पानी। तो फ्रेंड्स, ये चाट बिल्कुल अलग तरीके की होती है, इसे चाशनी के साथ सर्व करते हैं। तो अब चीनी घुलने तक इसे पका लेंगे। तो चीनी यहाँ पे घुल गई है और अब इसमें 1/4 चम्मच में डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर और 1/4 चम्मच है काला नमक। इसे मिक्स करके 2 से 3 मिनट पका लें और इसके बाद ये देखें, इस तरीके से अगर चिपचिपा सा होने लगा है इसका मतलब ये चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब अपना टमाटर भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, टमाटर यहाँ पे अच्छे से गल गया है। फिर भी मैं इसे थोड़ा सा स्पैचुला से अच्छे से मैश कर दूंगी जिससे बिल्कुल गला हुआ सा लगे। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे लगभग 3 उबले हुए आलू। तो ये आलूओं को उबाल करके मैंने मैश कर लिया है। तो अगर आपने 5 या 6 टमाटर लिए हैं तो 3 से 4 आलू आप बॉयल किया हुआ ले लें। बहुत ज़्यादा आलू भी इसमें नहीं डालना है क्योंकि टमाटर का टेस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। तो इसलिए मैंने 3 आलू लिए हैं और हमारे पास 5 टमाटर थे। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक करके कम से कम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे जिससे आलूओं में सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए इसे 5 मिनट बाद चेक करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए इसे चेक कर लेते हैं। वाओ, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा कलर इसका आया है और ये बिल्कुल एकदम रेडी हो गई है। तो अब हम इसे बुझा देंगे और चलिए अब इसे असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 दोना और इसमें हम डाल देंगे हमारे टमाटर की चाट। तो फ्रेंड, जैसे बिल्कुल मार्केट में सर्व करते हैं ना दोने में, चाट का मज़ा तो दोने में ही आता है खाने में। तो ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ पहले अपनी टमाटर की चाट और अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा नींबू, क्योंकि चाट में जब तक थोड़ा नींबू का चटपटापन ना हो मज़ा नहीं आएगा। और उसके बाद 1 लैडर भर के हम डाल देंगे इसमें चाशनी जो हमने बनाई है और साथ में 1 चम्मच डाल देंगे घी। इस चाट में घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डालना। और इसमें थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें नमक, थोड़ा सा डाल देंगे हम रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ यहाँ पे प्याज, हरी धनिया बारीक कटी हुई डाल देंगे, प्लेन यहाँ पे सेव है मेरे पास वो मैं डाल दे रही हूँ। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डालते हैं वो लोग और वो है ये नमक पारे। तो ऐसे छोटे छोटे से नमक पारे उसमें ये ज़रूर डालते हैं। तो अगर आपके पास हो तो आप भी इसमें ज़रूर डाल के खाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और अगर आपके पास नमक पारा नहीं है तो आप ऐसे प्लेन चिप्स जो मार्केट में मिलती है वो भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास दोनों ही थे तो मैं दोनों ही डाल दे रही हूँ। तो अब थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेशन के लिए मैं रेड चिली पाउडर और डाल दे रही हूँ जिसे देखने में थोड़ा और अच्छा लगेगा। और हमारी यहाँ लाजवाब सी चाट बिल्कुल रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये चाट बनती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है जो नॉर्मल चाट हम लोग खाते हैं उससे। तो एक बार आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये यमी टेस्टी सी चाट बना करके आप खुद भी खाएं, अपने परिवार में सबको खिलाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। तो मिलती हूं आपसे कुछ नई यमी टेस्टी रेसिपीज के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।